2020 जब सारा विश्व कोरोना संकट से जूझ रहा था, तब भारत अपनी रणनीति से कोरोना को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पूरे विश्व में अपनी डंका बजा चुका था। लेकिन लोगों की नासमझी की वजह से अब 2021 में भारत अब उन देशों के श्रेणी में खड़ा हो गया है जहां संक्रमण कम नहीं हो रहे हैं। एक तरफ जहां पूरा विश्व भारत के वैक्सीन की ओर देख रहा था, वहीं अब भारत अपने नागरिकों को बचाने के लिए जद्दोजहद में लगा है। देश में हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाना जरूरी, इसीलिए या तो इसे फ्री किया जाए या पुरानी कीमतों पर रखा जाए। केंद्र को 150 रुपये में वैक्सीन तो राज्य को 400 और निजी अस्पतालों को 600 रुपये क्यों? कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम ने वैक्सीन की कीमतें दोगुनी से ज़्यादा कर दी है। कंपनी ने ऐलान किया है कि केंद्र सरकार को वैक्सीन 150 में मिलती रहेगी, लेकिन राज्य सरकारों को कोविशील्ड के एक डोज के लिए अब 400 रुपये और निजी अस्पतालों को 600 रुपये चुकाने होंगे। अभी तक सरकारी अस्पतालों में यह वैक्सीन फ्री में लगती थी, जिसकी सप्लाई केंद्र सरकार राज्यों को फ्री में कर रही थी, जबकि निजी अस्पतालों में 250 रुपये लिए जाते थे क्योंकि सरकार उन्हें 150 रुपये में वैक्सीन दे रही थी। अब चूंकि 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगने वाली है, इसलिए सीरम 50% वैक्सीन सीधे केंद्र सरकार को, जबकि बाकी 50% राज्य सरकारों और प्राइवेट अस्पतालों को सीधे बेच सकेगी। सीरम नई व्यवस्था में भी केंद्र को 150 रुपये प्रति डोज में वैक्सीन बेचेगी, लेकिन राज्य सरकारों से 400 रुपये और निजी अस्पतालों से 600 रुपये लेगी। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि कोविशील्ड को एक्स्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड ने मिलकर डेवलप किया है और सीरम सिर्फ प्रोडक्शन करती है। चूंकि 1 मई से शुरू होने वाले अभियान को देखते हुए वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है, ऐसे में रॉ मटेरियल और रॉयल्टी के अतिरिक्त भार को घटाने के लिए सीरम ने वैक्सीन के रेट बढ़ाए हैं। लेकिन अब सवाल खड़े होते हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट जब केंद्र सरकार को 150 रुपये में वैक्सीन दे सकती है, तो फिर राज्य सरकारों से 400 रुपये और निजी अस्पतालों से 600 रुपये क्यों लिए जा रहे हैं? अगर हमें बड़ी आबादी को वैक्सीनेट करना है और सरकार चाहती भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगे, तो राज्य और निजी अस्पतालों के लिए भी कीमतें वही होना चाहिए जो केंद्र सरकार के लिए। दूसरा सवाल यह खड़ा होता है, निजी अस्पताल 600 रुपये कीमत और अन्य चार्ज मिलाकर एक डोज 700 रुपये लगाएंगे, और यदि 150 मिलती रहे तो 250 रुपये में लगा सकेंगे। सरकारी अस्पतालों में जहां सरकारों ने घोषणा कर दी है वहां फ्री, लेकिन जिन प्रदेशों ने अभी कॉल नहीं लिया है वहां किस रेट पर लगेगी यह स्पष्ट नहीं है। क्या यह कोशिश नहीं होनी चाहिए कि जब हम 100% वैक्सीनेशन की तरफ जाना चाहते हैं तो समान कीमतें रखी जाएं? तीसरा सवाल यह उठता है, कई राज्य अभी भी फ्री वैक्सीन पर खामोश हैं, जबकि बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ने 1 मई से फ्री वैक्सीनेशन का ऐलान कर दिया है। निर्णय स्वागत योग्य है। सवाल यही है कि जब देश जिंदगी और मौत के बीच फंसा हो और इससे निकलने का एकमात्र रास्ता वैक्सीन ही नज़र आ रहा हो, तो ऐसे में सरकार की पहली प्राथमिकता लोगों की ज़िंदगी बचाना होना चाहिए। केंद्र सरकार को तत्काल इसमें दखल देकर तय करना चाहिए कि जब वो 50% वैक्सीन 150 में खरीद सकती है तो 100% भी खरीद सकती है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ दाव पर ज़िंदगी लगी हुई है। प्रत्येक नागरिक को वैक्सीन मिले, यही आपका पहला कर्तव्य होना चाहिए। ऐसी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 4 नेशन। नमस्कार।